नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते होंगे, यूपी पुलिस 2024 की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं और 11 या 18 तारीख को, 18 फरवरी को कोई सी ना किसी दिन का एग्ज़ाम है। तो मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं और मैं आपको गाइड करना चाहता हूं उस रिस्पेक्ट में, यूपी पुलिस के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूं अपने गाइडेंस के, मैं किस तरीके से गाइड कर सकता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ HCF के बारे में, एक छोटा सा टॉपिक जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं लाइक और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको पसंद आता है। तो सबसे पहले HCF आपको निकालने के दो तरीके होते हैं। जैसे मैं ये छोटा सा लेता हूँ, 12 और 16, इसका HCF निकालना है, सबसे बड़ा गुनाखंड जो कहते हैं। तो 12 और 16 जैसे कि आप देखते हैं, तो या तो दो तरीके होते हैं। हम तो सबसे आसान तरीका जो हमारे क्लासेस में पढ़ाया गया है, ये सबसे बड़ा देखा, 4 3 4, तो इसका 4 HCF हो गया। ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा है। इसके जो अल्टरनेटिव है वो ये है कि 12 और 16 ये जो भी कितनी बड़ी डिजिट हो, उस डिजिट में जो भी आपका डिफरेंस बनेगा, जैसे 12 और 16 का डिफरेंस 4 का है। अब इस 4 के फैक्टर पता होने चाहिए। फैक्टर कितने होंगे 4? 4 और 1 2 और 2। अब देखा ना, इन दोनों का डिफरेंस बड़े से छोटे बड़ा, तो छोटे से बड़ा एक ही हुआ। अभी लग रहा होगा शायद ये कोइंसिडेंस हो, बट यहाँ पे हम दोबारा कर लेते हैं, 12 और 24 का कर लेते हैं। इसमें देखेंगे गैप 12। अब ये सोचेंगे कि एक ही डिजिट है, 12 और 18 कर लीजिए, यह 6 बना और 6 ही इसका LCM है। आप निकालेंगे तो ऐसे कर लेंगे, यह 6 ही बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये एक छोटी सी ट्रिक है। अब इस ट्रिक्स पे क्या क्वेश्चन आते हैं डिपेंड करता है। तो जैसे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ आपका। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेना कि एक रेक्टेंगुलर साइड है, इसमें टाइल्स भरनी है, एक लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स, सबसे कम नंबर ऑफ टाइल्स भरनी है इसमें। जो इसकी लेंथ दे रखी थी वो 284 और जो इसकी ब्रेथ दे रखी थी 248, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा है, तो शायद ये दी थी। तो इसमें लीस्ट नंबर ऑफ काउंटिंग्स जो हमें दे रही है टाइल्स की, लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स अब हमें फाइंड करनी है। अब आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट HCF वाला पढ़ाया है वो देखिए किस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अगर मैं निकालने जाऊँ इस तरीके से 248 और 284, तो काफ़ी लंबा समय चला जाएगा। आप देखिएगा, आपका आप खुद निकालिएगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप खुद निकालिएगा। लेकिन जो मैंने बताया है 284 माइनस 248, अभी तीन वाला मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहा हूँ अपने। तो ये 284, अब देखिए इसे क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट करने का भी एक तरीका होता है। 84 तो 34 तो ये बच रहे हैं और दो और आ गए तो ये 36 हो गए। ये तरीका होते हैं आपको टाइम को बचाना हो तो 36 हमारा बच गया जो हम बताया था 36। अब 36 किस किस का फैक्टर है डिपेंड, 36 बनता है 9 और 4 से, 6 और 6। अब हमें हाईएस्ट फिगर है क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट हमें दिख रहा है 9। अब इसके बाद भी हम डिग्रेड कर सकते हैं, जैसे 3 into 3 2 into 2, बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, 3 into 2 हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें हाईएस्ट देखना है। अब हमें 9 का देखते हैं, सबसे पहले 9 से क्या 284 जाता है, 9 3 27 और 14 नहीं जाता है, तो हमारा पता चल गया 9 नहीं है। अब हम 4 से करेंगे, 4 से ये करा तो 7 बार जा रहा है 71 बार जा रहा है 62, तो ये ही इसका कॉमन फैक्टर हो गया। और देखिए जब हम क्यूब्स निकालेंगे इसका, तो इसमें क्या होगा, इसके जो नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे वो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन, टोटल 84 into 248। तो आप सोचेंगे ये दो बार क्यों है, क्योंकि टाइल्स जो होते हैं स्क्वायर टाइल्स होती हैं, स्क्वायर टाइल्स होती हैं, तो 4 उसकी लेंथ होगी, 4 उसकी ब्रेथ होगी, तो 16 स्क्वायर मीटर का उसका एरिया हो गया। बट यहाँ पे क्या होता है, हम क्यों मल्टीप्लाई करें 16 को, क्योंकि हमें काटने मिल सकता है। जैसे हमने 4 से करा तो ये कितनी बार गया, 7 बार और 1 बार, ये 4 से कितनी बार गया, 6 और 2 बार, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 71 into 62। निकाल सकते हैं आप, और भी ट्रिक्स होती हैं, जैसे 2 इसके लास्ट में 2 आएगा, जिसके लास्ट में 2 होगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा तरफ से ग्लिम्स है, आगे मैं सभी जितने भी मेरे
8 टॉपिक्स या फिर जितनी मेरे सब सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं है, सब सब्जेक्ट है। आपको अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद जुड़े रहिएगा। 10-11 तारीख से बिल्कुल लगातार क्लासेस आएंगी। अभी सिर्फ एक ग्लिम्स डालूंगा वीडियोस की, जैसे ये अभी मैथ्स डाला है, रीजनिंग भी डालूंगा, हिंदी भी डालूंगा एंड जीएस का पूरा पोर्शन करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।